वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। माय नेम इज शिवानी। तो गाइस आज का वीडियो लिटरली काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे चार सुपरस्टार्स के बारे में बताने वाली हूँ जो रेसलमेनिया 40 में फर्स्ट बार चैंपियन बनने वाले हैं या बन सकते हैं इस बार रेसलमेनिया 40 में। तो देखा जाए तो अभी से ही रेसलमेनिया 40 के लाइव इवेंट के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, शो में कई बड़े टाइटल मैच देखने को मिलेंगे। और देखा जाए तो WWE भी अपने मैच को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अलग अलग स्टोरी लाइन क्रिएट कर, और जैसा कि हमें दिरॉक और कॉडिडोर्स का भी देखने को मिला था कि स्टोरी लाइन एग्रेशन वाला। तो ऐसे में आपको बता दूं, कुछ सुपरस्टार ऐसे भी है जो चैंपियन बनना डिजर्व भी करते हैं। तो देखो, रेसलमेनिया एक ऐसा स्टेज है जहां कोई भी सुपरस्टार अपने करियर में फर्स्ट टाइम चैंपियनशिप जीतते हैं। तो ऐसे में इस टाइम कुछ ऐसे सुपरस्टार है जो टाइटल मैच का हिस्सा तो है, बट इस बार के रेसलमेनिया 40 में वो फर्स्ट बार चैंपियन बन सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताती हूँ वो चार सुपरस्टार्स के बारे में जो इस बार रेसलमेनिया 40 में फर्स्ट बार चैंपियन बन सकते हैं। तो नंबर 4 सुपरस्टार की बात को तो वो है ड्रू मैकइंटायर। वो इस बार के रेसलमेनिया 40 में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन सकते हैं। तो देखा जाए तो WWE में ड्रू मैकइंटायर पिछले कुछ महीनों से काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं अपना। ऐसे में ड्रू मैकइंटायर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए सेथ रॉलिंस को चैलेंज करने वाले हैं। तो आपको बता दूं, ड्रू मैकइंटायर ने अपने करियर में टैग टीम इंटरकॉन्टिनेंटल और WWE टाइटल भी जीता है। तो ऐसे में आपको बता दूं, ड्रू मैकइंटायर अभी तक वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन नहीं बने हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि नाइट ऑफ चैंपियन 2023 में WWE कंपनी ने सेथ रॉलिंस को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप बना दिया था। ऐसे में आपको बता दूं, अभी तक ये टाइटल सेथ रॉलिंस के पास ही है। ऐसे में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि रेसलमेनिया 40 में सेथ रॉलिंस को हराकर अपने करियर में फर्स्ट टाइम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीत सकते हैं ड्रू मैकइंटायर। जिस तरह देखा गया ड्रू मैकइंटायर का हील टर्न होना, ऐसे में ये लग रहा है कि ड्रू मैकइंटायर जीत सकते हैं रेसलमेनिया 40। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और नंबर सेकंड और थर्ड सुपरस्टार की बात करो तो वो है जॉनी और रोमेशो। तो आपको बता दूं, दोनों ने टैग टीम में काफी जबरदस्त काम किया है। और देखा जाए तो दोनों ही सुपरस्टार NXT में सक्सेसफुल रहे हैं। तो ऐसे में दोनों ने अभी तक टैग टीम चैंपियनशिप नहीं जीता है, और ऐसे में काफी टाइम से जजमेंट डे के पास ही ये टाइटल है। तो आपको बता दें, ये टॉप फैक्शन 5 टीमों के खिलाफ लैडर मैच में चैंपियनशिप को दांव में लगाने वाले हैं। तो ऐसे में जॉनी और टोमेशो के पास फर्स्ट टाइम टैग टीम टाइटल जीतने का और रेसलमेनिया मूवमेंट जीतने का काफी अच्छा मौका है इस बार रेसलमेनिया 40 में। देखा जाए तो फैंस DIY को काफी ज्यादा पसंद भी करती है, तो ऐसे में इस बार उनका चैंपियनशिप बनना तो बनता है। और नंबर फर्स्ट सुपरस्टार की बात को तो वो है कॉडी रॉड्स। तो जैसा कि अभी के टाइम में सबको जानते हैं कि कॉडी रॉड्स और रोमन रेंस के बीच रेसलमेनिया 40 के नाइट 2 के अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है। और इन दोनों के मैच के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है, और फैंस ये भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि कॉडी रॉड्स मैच को जीतने वाले हैं। तो ऐसे में आपको ये भी बता दूं कि कॉडी रॉड्स ने अपने करियर में अभी तक वर्ल्ड टाइटल नहीं जीता है, और WWE में वापसी करने के बाद से उनका एक ही मोटो बन गया था कि वो टॉप चैंपियनशिप को जीत सके और अपने पापा का सपना पूरा कर दे, क्योंकि उनके पापा भी नहीं जीत पाए थे। तो आपको बता दूं, रेसलमेनिया 39 में कॉडी रॉड्स के पास रोमन रेंस को हराकर अपनी स्टोरी को खत्म करने का मौका था, बट कॉडी रॉड्स उस मैच में हार गए थे। अब रेसलमेनिया 40 में फिर से कॉडी रॉड्स दोबारा रोमन रेंस के अगेंस्ट नजर आने वाले हैं। तो ऐसे में कॉडी रॉड्स के पास ट्राइबलशिप का ऐतिहासिक टाइटल खत्म करने का मौका है। अगर वो जीत गए तो उनका टाइटल खत्म हो जाएगा रोमन रेंस का, जो कि वो 1300 से भी ज्यादा दिन तक अपने पास रखे थे। तो ऐसे में इस बार कॉडी रॉड्स के पास सबसे अच्छा मौका है कि वो इस बार WWE यूनिवर्सल चैंपियन बन जाए। अगर वो इस बार चैंपियन बन जाते तो फैंस उन्हें काफी ज्यादा पसंद करने वाली है, क्योंकि वो चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ कॉडी रॉड्स ही मैच को जीते। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट थोड़ा सा अवेलेबल लगता हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।